Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Back again with iTalks. Talks which are meant for doctors so that we can pass the correct information to our patients and treat them the way they need to be treated. As you all know, आजकल रमजान का मुबारक महीना चल रहा है. हर साल रमजान के महीने में कुछ सवाल उठते हैं मरीजों की तरफ से. क्या हम ऑपरेशन करा सकते हैं? क्या हम दवाई डाल सकते हैं? इससे पहले कि मैं उस पर रोशनी डालूं, रिसेंटली मेरी किडनी में एक छोटा सा स्टोन था, तो मैंने अपने एक दोस्त यूरोलॉजिस्ट से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए. थोड़ा बहुत तो मुझे पता, वजह भी मुझे पता है कि मैं पानी नहीं पीता पूरे दिन, तो वक्त ही नहीं मिलता पानी पीने का, और पानी पीने से ये जरूरत पड़ती है वजू टूट जाता है और वजू करना ज़्यादा मुश्किल काम है. तो मैं अपनी नमाजों की हिफाजत के लिए पानी पीता ही नहीं, सुबह पीता हूँ और शाम को पीता हूँ. भारत और बेटा आप रोज़ा छोड़ दें. मैंने कहा भाई रोज़ा मैं तो वैसे भी यही हरकत करता हूँ. नहीं, आप लोग इतने इमोशनल होते हैं, हमारी खौम बहुत इमोशनल है दीन के बारे में. भाई एक्सक्यूज मी, इसको मैं ज़रा थोड़ा नाराज भी हुआ उनसे. मैंने दीन के मामले में इमोशनल होने की बात नहीं होती, अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है. अल्लाह ने गुंजाइशें दी हुई है मरीजों को, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते. अभी मैं कल ही परसों सुन रहा था, एक साहब कह रहे थे कि लीडर से जाके मिलना हद से ज़्यादा ज़रूरी है. इसको इमोशनल होना कहते हैं? इसको थोड़ी कहते हैं इमोशनल होना कि मैं अल्लाह का हुक्म है, मैं रोज़े रखना चाहता हूँ. जहाँ जहाँ गुंजाइश है उसको गुंजाइश को यूज़ करते हुए रखते हैं. अब मैं ढेर सारा पानी सहरी में पी लेता हूँ, ढेर सारा पानी मैं इफ्तार में पी लेता हूँ, और क्योंकि मेरा रोज़ा है तो एक चीज़ जो मेरे पत्थर उसको कंकर पत्थर बनाने में मदद कर रही थी वो ये कि जब मुझे हेडेक होता है मैं फ़ौरन एनसेड खा लेता हूँ. तो एनसेड जो है उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं किडनी में जाके, और जब आप पानी नहीं पीते मेरे जैसे बेवकूफ़ तो वो मसला हो जाता है. तो आप रोज़ा ज़रूर रखें. आई के तो इतने इशू है भी नहीं वैसे, लेकिन पहली बात तो ये जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, आई की ऑपरेशन कराने से नहीं टूटता, आँख में इंजेक्शन लगाने से नहीं टूटता, और जो आम तौर पे लोग कंफ्यूज होते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं जिनको एनाटॉमी का थोड़ा अंदाज़ा है कि आई से जो नेज़ल लैक्रिमल डक्ट नाक तक जाती है तो वो तो हलक में जा रही है. इसके बारे में भी सुन लें. मुंह में कुछ चीज़ डालने से रोज़ा टूटेगा, नाक में डालने से टूटेगा, कान में डालने से सिर्फ उस वक्त टूटेगा जब कान का पर्दा फटा हुआ हो. आँख में डालने से जो अमाउंट जाता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के जरिए थ्रोट में, वो उससे बहुत ही कम होता है जितना एक कुल्ली के बाद मुंह में रह जाता है. तो कुल्ली करना तो कोई मना नहीं करता. आप वजू 5 दफ़ा करते हैं रोज़े में, कम से कम कौन कौन से वजू होते हैं? इफ्तार कर रहे हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ये तो हो ही सकते हैं क्योंकि मैं मगरिब का वजू जो है वो इफ्तार वजू के साथ करता हूँ ताकि नमाज के लिए फिर जो भी इफ्तारी खा खू पे जल्दी से ना हम नमाज के लिए चला जाए जमात के लिए. तो आप इतनी सारी दफ़ा गुल्ली करते हैं उसको तो कोई मना नहीं करता. जो अमाउंट नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के जरिए ड्रॉप्स का जाता है वो इतना स्मॉल फ्रैक्शन है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता. अलबत्ता कभी कभी उसका मज़ा ज़रूर आता है, तो वो मज़े के लिए कोई हुक्म नहीं है कि आप उस मज़े की खातिर रोज़ा नहीं रखें. तो ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैंने इस पर बहुत सर्च की हुई है, मुफ्ती हजरात से भी पूछा हुआ है, इंटरनेट पर भी बहुत सर्च की हुई है, कहीं भी मुझे नहीं मिला कि ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूटेगा. और अगर आपको फिर भी वो कुछ लोगों को वैसे ही आउटसाइड रोज़ा एक तकलीफ होती है कि कुछ ड्रॉप्स का मज़ा गले में जाता है, वो तंग करता है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि अपनी नेज़ल लैक्रिमल डक्ट को इस तरह पिंच कर लें यहाँ पे और ड्रॉप्स डाल दें. जो एक्सेस है वो बाहर फ्लो कर जाएगा, जो अंदर रह जाएगा वो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं करेगा. इट इज़ ओनली द एक्सेस विच गोज डाउन द नेज़ल लैक्रिमल डक्ट. जो आँख के जो ड्रॉप आँख के अंदर है वो आँख के अंदर रहते हैं, तो आप अपने मरीजों में बता सकते हैं जो ड्रॉप्स. अच्छा, एक और चीज़, कुछ ड्रॉप्स जैसे ग्लॉकोमा के आप सहरी इफ्तार डाल लें क्यों, उनका टेस्ट भी आता है, लेकिन कुछ ड्रॉप्स जो ड्राइनेस के, और आपको पता है रोज़े में ड्राइनेस तो ज़रूर होगी और ज़्यादा होगी, तो जब ड्राइनेस वैसे ही ज़्यादा हो रही है तो आपको ड्राइनेस के ड्रॉप्स डाल लें ना भाई, या आप रोज़ा छोड़ दें बिल्कुल गलत, या आप ड्राइनेस के ड्रॉप्स छोड़ दें बिल्कुल गलत, तो दोनों काम चलेंगे. अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला नीयतें देखता है, और एनाटॉमी भी अल्लाह नहीं बनाएंगे ना भाई मेरे. तो ये मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाए, लोग रोज़े रखें और जहाँ उनको ड्रॉप्स डालने ज़रूरी है ड्रॉप्स डालें. तो क्या करना है, ड्रॉप्स डालने से नहीं टूटेगा, इंजेक्शन लगाने से नहीं टूटता कहीं भी बॉडी में, लेकिन आँख के इंजेक्शन जिससे ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे किसी के मंथली एंटी वेजफ लग रहे हैं तो वो लगाए,
यहाँ तक कि ऑपरेशन कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह मैं तो रूटीनली विट्रेक्टमी करता हूँ, रोजे में कुछ नहीं होता, लोकल के इंजेक्शन लगता है। हाँ अलबत्ता जीए नहीं दे सकते क्योंकि जीओ में ट्यूब जाएगी, जीए से टूट जाएगा, बहरहाल जीए एनपीओ में ही होगा। ट्यूब को कितना साफ करके डाल सकते हैं उसमें पानी नीचे है। जीए इज अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सट्रीम थिंग, एनेस्थीसिया में वैसे भी और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो रही होती हैं, तो ये मैंने बता दिया। अब कुछ चीज़ें मुझे अमेजिंग डिस्कवरीज हुई हैं जो आप तक पहुँचानी है। मैंने अभी बताया कुल्ली करने से नहीं टूटता, ठीक है, ड्रॉप्स डालने से नहीं टूटता, बशर्ते कि कान में सुराख नहीं हो, नाक पे आप ड्रॉप्स नहीं डालेंगे, नाक के ड्रॉप सीधे हलक में जाएंगे। अलबत्ता एक मेजर डिस्कवरी है इंटरनेट की और व्हाट्सएप पे बहुत फ्री है, सांस लंबा लेने से वजू नहीं टूटता, रोज़ा टूट जाता है, इसका ख्याल रखें। मैंने हटसन वालों को वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिए, आप इस ये जो है वेबसाइट इस पर देख लीजिएगा, लंबा सांस लेने से वजू टूट सकता, सॉरी लंबा सांस लेने से रोज़ा टूट सकता है एक खसूसी सिचुएशन में, वह खसूसी सिचुएशन की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि आप समझेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। खान हमेशा सीरियस होते हैं, खानों का मसला ही है ये, खान सीरियस होते हैं। एक खान को लियाकत अली खान को पहले मार दिया, एक खान को हटा दिया, अब इस खान को माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।